शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी में आधार केंद्र का युवा सेना जिला अध्यक्ष हर्षल काकड़े के हाथों उद्घाटन हुआ है। आधार प्लेटफॉर्म डिजिटल भारत का आधार स्तंभ है। डिजिटल युग में अब ऑनलाइन को ही महत्व है। अब आधार नंबर नहीं तो खुद की पहचान नहीं। सामाजिक आर्थिक सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण सुधारना, अर्थसंकल्प व्यवस्थापन को डिजिटल के माध्यम से जल्द दुनिया में पहुंचाया जाता है। यह बात हर्षल काकड़े ने की। स्थानिक लोगों को सुविधा होने के लिए वाड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर अंबेडकर नगर जिला परिषद स्कूल परिसर में आधार केंद्र का उद्घाटन युवा सेना जिला प्रमुख हर्षल काकड़े के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में शिवसेना हिंगना विधानसभा संगठक संतोष केचे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज व हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के प्रतिमा का पूजन कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर केक काट कर बधाई दी गई। जिला परिषद शिक्षण सभापति भारती पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े, पूर्व उप नगराध्यक्ष नरेश चरडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामाजिक न्याय जिला अध्यक्ष संतोष नरवाड़े, शिवसेना तहसील प्रमुख संजय अनासने, उप तहसील प्रमुख रुपेश झाड़े, साथ ही अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब इस आधार केंद्र का लाभ लोगों ने उठाने का आह्वान आधार कार्ड केंद्र के संचालक तथा युवा सेना वाड़ी शहर प्रमुख सचिन बोमले ने किया है। मैं सचिन बोमले, युवा सेना शहर प्रमुख। आज माननीय उद्धव जी ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आधार कार्ड सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। तरी माननीय श्री हर्षल भाऊ काकडे युवा सेना जिल्हा प्रमुख यांच्या उपस्थितीत व भारतीताई पाटील शिक्षण सभापती जिल्हा परिषद नागपूर यांच्या हाताने आज वाडी आंबेडकर नगर इथे आधार कार्ड सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आलेले आहे। तसेच वाडीतल्या जनतेला माझे आवाहन आहे की ज्यांचे कोणाचे आधार कार्ड बनले नसेल, अपडेट करायचे असेल, त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेत येथे येऊन संपर्क साधावा व आपला आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करावी, ही नम्र विनंती। धन्यवाद। एनबीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।